राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। देखा हमारे जावा सोल्जर का टैलेंट कैसे चिकन के पीछे टूट पड़े थे। पर सर ये तो फिर भी दर्द हो गई है। फिर देखो कैसे निकालते हैं अपने अपने बिल से। भाई मेरी आवाज देने से पहले सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो, ठीक है? यस सर। सोए भरी रिपोर्टिंग। हाजिर हूं जनाब। सोए अम्मी, इधर उन्हें भरा था। अबे अबू तू क्यों अल्लाह मियां ने बचाया? शाहरुख खान रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग सर। फायर। हाजिर। अबे तू क्यों खड़ा हुआ? सर आपने तो कमांड दिया था। अरे मैंने तो उधर के शाहरुख खान को आवाज दी थी। सर शाहरुख तो दोनों तरफ कमर है ना सर, स्पेशली डर और बाजी करके बात सर। पोजीशन लो, चलो। मेरी हिंदी तो कमी हो गई। दोनों सरप्राइज, मैं आ गया। या अल्लाह मुझे ताकत दे। सचिन तेंदुलकर रिपोर्टिंग। अच्छा बेटा, हमारा गणित हम पर ही आजमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? दुनिया में सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक पैदा हुआ है इंडियन क्रिकेट टीम में, उसे यहाँ कहाँ बुला रहे हैं आप? गलती हो गई यार। सचिन तेंदुलकर रिपोर्टिंग। विश्वमूर्ति की औलाद कारण नहीं खेलना। साहब सचिन तेंदुलकर साहब को देखने के लिए खड़ा हो गए। तुम सब लोगों का प्रॉब्लम ये है, जब देखो खड़ा हो गया कोई नहीं उठेगा। क्या नाम उसका पढ़ना? राजवीर सिंह राणा। राजवीर सिंह। राजवीर सिंह राणा रिपोर्टिंग। अरे राजवीर सिंह राणा। अभी दिखाता हूँ, जब चार्ट पड़े तब भारी पड़े। जवाब देना। आए अभी राजवीर सिंह को मारा। जरा खड़े होकर सूरत तो दिखा। धमकी दे रहा है। अबे मैं बोल रहा हूँ सभी। मुझ पर गोली चली क्या? आप ही ने उनको दिया था दावतनामा जनाब। पक्का? इस सपीक टूटी बैठ गई जनाब, इससे पहले दूसरी सच। पड़ोसी मुल्क इंटेलिजेंट है जनाब, समझे ना? आपके तोते और तोड़ दे रहे हैं। अबे बेटा तोते बकरी तोड़ा है अबे, है ना? बोल कैसे रहा है? बच्चे की तरह पाला है तुझे, बच्चे की तरह। दूर कर दे तू, आपको बाप की तरह पाला ना, ऐसा फरामोश की हद होती है। वैसे मैं सत्येंद्र पाल सिंह गसोना, और आप जी? मुझको तो मर्दों का दिमाग कमजोर मालूम होता है। चला जीत पला हमको पूछता हम कौन है? ओ छोटो पाजीन बातों ना, एक गल सुनो। सानू खबर मिली है कि एक गडरिया हमारे जाबाज बेहतरीन घुसपैठियों नु घुसपैठ करने से रोक देता है, बस उन्हें वास्ते इंतजाम करिया सी में। सही बोल रहा है भाई जान। ये और तुम्हारे पास चॉकलेट है? ओ नहीं जी। सुरमा है? ओ नहीं जी। तुम कुछ खिलाने से पहले बोलता कुछ मीठा हो जाए। ओ जी हम तो कड़वे से शुरुआत करते हैं जी। ये खुफिया बकरी खाली रावलपिंडी की है भाई जान। अब तुम्हें मत बोलना कि ये बकरा है। ओ बताओ क्या इंतजाम है? हाँ जी, तुम्हारे वास्ते नक्शा जी रास्ते था सीधा जोधपुर निकलेगा। साडे हुक्मरानों ने आपके वास्ते भेजा जी। माशाल्लाह। और चलो ओए बर्दू तो जल्द दिखा रहो, और तुम हमको अपना पूरा फौज के साथ जोधपुर में मिलना, समझ गए जवान? खुदा हाफिज। गलती हो गया, इसको क्या पता, फुदू है। अल्लाह हाफिज। मैं तो कहता हूँ चुपचाप बैठे रहते हैं, उनको जितनी फायरिंग करनी है करने दीजिए, हम जितना थूकते जा रहे हैं मुड़कर हमारे चेहरे पर वापस आ रहा है। मैं तो थूकूंगा। अरे जिसका कोई नहीं उसका चाइना है। फुकॉल। फुकॉल 69? नहीं जनाब, फुकॉल 69 हम कैसे चलाएंगे जनाब? वो तो दो दिन बाद जब जंग होने वाली थी उसका वो मेड इन चाइना इंजीनियर आने वाला था हमें सिखाने के लिए, कैसे चलाए हम, कैसे चलाएंगे उसको? तो कौन चलाएगा? तो कदर है तू? भुट्टो क्यों? उससे ज्यादा तू इंटेलिजेंट है, तू चलाएगा बस। हाँ भाई उठाओ, आकल पे तो पर्दे पड़े हैं, इस पर्दे को उठाओ। कोई बात नहीं, इस खान साहब को कफन उड़ाना है। अबे कफन चूर की औलाद, हमेशा कफन पहनाने के चक्कर में रहता है। कोई डबा उठाओ। सुभान अल्लाह। उठाओ भाई उठाओ, उठा इसको। माशाल्लाह। ये चीनियों को पैकिंग का बहुत शौक है लगता है। बाहर निकली। अरे ये तो बिल्किस के लौंडे का खिलौना है। पूरा पहाड़ निकला तो आजना। फुकॉल 69 की साथ में बुकलेट भी है, नजर डालियो। हीट सान सिंह, ये फौजों की गर्मी और वो जो हथियार होते हैं ना उनकी गर्मी को लेकर सेंस करता है और निशाना लगाता है जनाब।
कांड रो रहे जनाब। चाइना गेट, गुड जॉब मैन। दबा के देखो जनाब। एक काम में देरी क्या हुआ? शेर को पिंजरे से मात निकाली, आप निकाल ही दिया है तो आप शिकार बनिए। फौजियों की गर्मी को सहन करता है, पर इस फुकॉल को कौन समझाएगा कि हिंदुस्तानी फौजी या पाकिस्तानी फौजी? पाकिस्तानी का कमाल आप क्या करेगा? लगता है दुश्मन फौज ने फिर से कोई नया हथियार खरीदा है। प्योर मेड इन चाइना बम आप तक पहुंच गया है बादशाह, अब फोड़ दो जल्दी से गुरु। जब जल हो चुकी है शुरू तो फिर किस बात का इंतजार? इससे पहले कि इंडियन आर्मी हो जाए तैयार तो हो जाने दो न्यूक्लियर बार। तो फिर एक काम करता हूँ, यही फोड़ देता हूँ। अरे नहीं मियां, तो फिर उन्होंने समझाओ की बोल रहे। अरे जनाब देखिए थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगेगा बॉर्डर पहुँचाने। बहुत हल्के में लेते हैं आप हमें, लेकिन एक बात बता दें, इतने हल्के भी नहीं हम। आए आए अपनी आंखों से देखें हमारे इंतजामात। ले भाई अशरफ मूवर्स एंड पैकर्स। जनरल साहब ये नाम को जाना पहचाना लग रहा है। व्हाट इज दिस, इन्हें भूल गए आप? व्हाट इज, अरे हमारा, चलो चलो। पता है सुबह से लेकर अब तक के एपिसोड में सब कुछ देख लिया है मैंने, दोस्ती प्यार मजाक, बस एक चीज में प्रॉब्लम है। कौन सी मैडम? इन्फॉर्मेशन। हमें इस एपिसोड को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। नाकाम कोशिश मैडम। नाकाम क्यों? कोशिश की है अब तक? नहीं। तो फिर नाकाम कैसे? हमें ये वॉर आज ही रुकवानी होगी, सुबह तक दोनों देशों की आर्मीज आ जाएंगी, इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओए सुनो, जीतने के लिए माइंस को डिफ्यूज करना जरूरी है। मैं बॉर्डर पार करने जा रहा हूँ, तुम सब पीछे से कवर फायर दे। अरे जो भी खत्री, माइसेल्फ साहिल खत्री। तू बता तू कौन सा खत्री है? कबीर खत्री। तो कबीर खत्री कहाँ का है तू? सिंध का। सिंध का तो मेरा परदादा भी था, अब आओगा मजा लड़ने में। अच्छा सिंध में कहाँ का? पठान गली। पठान गली का तो मेरा पड़दादा भी था, अब तो आवेगा मजा लड़ने में। अच्छा पठान गली में कहाँ? 8/10 खतरू वाला मिला, अब तो और भी मजा आवेगा लड़ने में। ओए खतरू वाला मिला, और तू यूं मत कह दियो कि तेरे पड़दादा की भी परचून की दुकान थी। हाँ थी तो अब ना आवेगा मजा लड़ने में। ये तो भाई निकले, मजा आवे चाहे ना आवे,
देश से बढ़ के ना माँ बाप ना भाई बहन ना कोई गर्लफ्रेंड, देश से बढ़ के कोई ना हुआ। खत्री सर, बंकर नंबर 12 में जाके पोजीशन लो। मैं फॉरवर्ड पोस्ट पे लड़ूंगा सर। खत्री इट्स एन ऑर्डर। लेकिन सर खत्री, इट्स इनक्रेडिबल राज, दो भाई जंग के मैदान में एक दूसरे के ऊपर बंदूक तान के खड़े, और जो पहले मारेगा वो मेडल ले जाएगा। नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल अ स्टोरी। हां रंजीत, मजा आ गया। एक भाई दूसरे भाई को मारेगा और आपको मजा आ गया? ये कोई हमारे घर के पड़ोसियों की आपस में लड़ाई नहीं हो रही जो मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर मजे लूटे ताली बजाए, मजा आ रहा है। तो फिर रोक दीजिए ना, बंद कर दीजिए लड़ाई। मैडम आप रिपोर्टर है, आपका काम है बोलना, पर जंग बोलने से बंद नहीं होती। तो फिर या तो हम उन्हें खत्म कर देते हैं या वो हमें खत्म कर दे, फिर तो बंद हो जाएगी ना ये जंग। तो आप तो बातों का एटम बम मेरे कानों में ऐसे फोड़ रही है जैसे मैंने डिक्लेयर किया हुआ। ऊपर से ऑर्डर है मैडम। ऊपर से? और अगर उन ऊपर वालों को उनसे भी ऊपर वाले से ऑर्डर मिल गया तो फिर? सेकंड नहीं लगाएंगे वहां रोकने में। तो फिर समझिए ये भी हो सकता है, बस इसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। हम तो पूरी लाइफ आपका साथ देने को तैयार हैं। बस मुझे बॉर्डर के उस पार भिजवा दीजिए। क्या बॉर्डर के उस पार? इतना आसान नहीं है ये। पर इतना मुश्किल भी नहीं।